हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस क्रिएटर सुपर 30 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज इस सेशन में पार्ट 11 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का करने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 10 तक हो चुका है। जो पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं उस वे सभी वीडियोस को देख लेंगे ताकि पूरे टॉपिक आपका पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आज जो रूल करने जा रहे हैं उसी से थोड़ा रिलेटेड टॉपिक है, रूल्स हैं जो आज करने जा रहे हैं इस वीडियो में। चलते हैं, रूल को देखते हैं क्या है। जो रूल इसके पहले जो हम लोग कर चुके हैं 10 वीडियोस तक, मीन्स 10 सेशन तक, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सीरीज चल रहा है। अब बहुत अच्छे से बताया गया, हर वीडियोस में बहुत तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। सारी रूल्स को, जितने सारे रूल्स हैं उनको कृपया करके फिर से देख लेंगे, और जो पहली बार आए हैं इस चैनल पर वो तो अवश्य देखेंगे। अब रूल इसमें क्या है कि आ परसेंटेज ऑफ के बाद, अ परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन पिसियन प्लूरल काउंटेबल नाउन या नाउन यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा आपका, वो वर्ब किसके अनुसार होंगे, फिक्स्ड नहीं है यहाँ पर वर्ब। ये जो वर्ब आ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, मीन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, ठीक है, ग्रामर के रूल के अनुसार कुछ एडजस्टमेंट कराया जा रहा है। जो इस प्रकार है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन कहीं कहीं दिखने में सब्जेक्ट प्लूरल लगते हैं, भले ही लगते हों, लेकिन आने वाला वर्ब सिंगुलर बन जाता है, मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसी बात को समझने के लिए कुछ बहुत सारे रूल्स हैं, इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको हम लोग पार्ट वाइज करते हुए 11 पार्ट तक पहुँचे हैं, बातों को समझते हुए, रूल्स को समझते हुए, कंसेप्ट को समझते हुए, ठीक है। आज हम लोग के सामने जो रूल आए हैं, अ परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन पिसियन प्लूरल काउंटेबल नाउन, नाउन यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन, मीन्स पिसियन में प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल मीन्स बहुवचन, मैंने बहुत सारे प्लूरल वर्ब, ठीक है, बहु वचन, यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे वाटर हुआ, शुगर हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें। तो परसेंटेज अब के बाद तो नाउन आया प्लूरल, नाउन अनकाउंटेबल, जो वर्ब ये यूज होंगे, ये जो वर्ब यूज होंगे, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट बन रहे हैं आपके, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और इसमें कन्फ्यूजन बन रहा है कि सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट कौन है। तो रियल सब्जेक्ट बताया जाता है कि सेकेंड नाउन या प्रोनाउन कौन सा यूज होगा,
मीन्स वर्ब के नज़दीक वाले जो नाउन प्रोनाउन है, वर्ब के नज़दीक जो नाउन प्रोनाउन है या नाउन आए हुए हैं उसी के अनुसार वर्ब यूज होगा। मीन्स ये जो वर्ब यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये जो वर्ब यूज हो रहे हैं ये वर्ब आपका इस नाउन के अनुसार, इस नाउन के अनुसार यूज होंगे। मीन्स ये नाउन आपका प्लूरल काउंटेबल है, ये नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसी के अनुसार यहां वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, इस रूल को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी ये सब रूल्स हैं, बस बार बार रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है, सारे दिमाग में आ जाएंगे। मोर एंड मोर प्रैक्टिस सेट कीजिए, बनाइए, सब आपके दिमाग में छप जाएगा। आते हैं कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल जो हैं एग्जाम्पल मीन्स एरर, कैसे सेंटेंस में एरर आते हैं उस बात को समझते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज आर इंक्रीजिंग इन हिज स्कूल, इन हिज स्कूल। अ परसेंटेज ऑफ के बाद जो नाउन आए हुए हैं वो नाउन देखिए, ये नाउन आपका क्या है, ये नाउन आपका आया है PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, इसका मतलब वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। आर आर प्लूरल है, इज सिंगुलर है, आपका इज यहाँ आंसर नहीं होगा, आपका आर यहाँ आंसर बनेगा। कितना इम्पॉर्टेंट ये रूल्स हैं जो सारे करवा चुके हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और जहाँ आर्टिकल की बात आ रही है कि ए आर्टिकल, इस आर्टिकल के बाद जो शब्द आ रहे हैं ना, परसेंटेज, नंबर, मेजोरिटी, ठीक है, ये सारे शब्द पर ध्यान रखना है, किस शब्द के में, किस शब्द के पहले जो शब्द के जो मेजोरिटी परसेंटेज अब के बाद जो आर्टिकल आ रहे हैं, किस किस कंडीशन में आपका वर्ब यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं कि वर्ब चेंज नहीं हो रहे, वर्ब फिक्स्ड हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं सब्जेक्ट के अनुसार वेरी कर रहे हैं, बदल रहे हैं, इस बात को समझना है आप लोगों को, तभी आपकी ग्रामर पर पकड़ आएगी। थोड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेन रखिए और समझिए इस बात को। अब इसमें क्या है कि ये तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल दिए और परसेंटेज ऑफ के बाद, लेकिन एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आ परसेंटेज ऑफ sugar cane growth is r very small in this स्टेट।
अ परसेंटेज ऑफ शुगर केन ग्रोथ इज आर वेरी स्मॉल इन दिस स्टेट। अब यहाँ ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ जो अनकाउंटेबल नाउन के शुगर केन ग्रोथ अनकाउंटेबल नाउन, देन अनकाउंटेबल नाउन आया अ परसेंटेज के बाद, तो आपका क्या होगा, आपका जो यहाँ नाउन आ रहे हैं अब देख पा रहे हैं अच्छे से, शुगर केन ग्रोथ ये आपका रियल सब्जेक्ट बन रहे हैं जो ऑफ के बाद, ठीक है। तो शुगर केन ग्रोथ, ग्रोथ ठीक है, ग्रोथ क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अ परसेंटेज ऑफ शुगर ग्रोथ इज स्मॉल, वेरी स्मॉल इन दिस टाउन, इन दिस स्टेट, इस राज्य में जो शुगर केन की जो ग्रोथ है परसेंटेज में वो बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। अब यह क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर बनते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा न कि प्लूरल होगा। यह आपका एग्जाम्पल हो गया, किस रूल का, दोनों तरीके की एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए, बहुत ईजी है ये टॉपिक है ना, ये रूल, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट रूल को समझते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ बदलाव होगा, कुछ थोड़ा स्लाइट चेंजिंग आएगी, बस एक स्थान पर डिफिनिट आर्टिकल को पुट कर दिया जाएगा। क्या, डिफिनिट आर्टिकल को पुट कर देंगे और वर्ब चेंज हो जाएंगे। यहां अकॉर्डिंग टू नाउन वर्ब यूज किए जा रहे हैं कि वर्ब प्लूरल है या वर्ब प्लूरल है, तो वर्ब नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ रहा है, नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर है। लेकिन जहां थोड़ा सा बदलाव किए कि एक स्थान पर क्या ला रहे हैं, एक स्थान पर द पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू पुट ओनली द इन प्लेस ऑफ ए एंड द वर्ब इज चेंज्ड इन सिंगुलर वर्ब, वट एवर नाउन में भी, कुछ भी नाउन हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, वो फिक्स्ड हो गया यहां पर वर्ब। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, देखिए द के बाद परसेंटेज आया, क्या आया बेटा, परसेंटेज, द के बाद परसेंटेज आया, द परसेंटेज के बाद आपको पता ही ऑफ आएगा ही आएगा, उसके बाद नाउन पीसीएन और नाउन यूसीएन, यह दो ही नाउन फिक्स्ड है, यहां दो ही नाउन फिक्स्ड है, द परसेंटेज ऑफ और परसेंटेज ऑफ के बाद, यहां नाउन एससीएन नहीं आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यह बात भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में वर्ब से ही रिलेटेड नहीं आता है, कभी कभी नाउन से रिलेटेड आ जाएगा एग्जाम में। क्या कि यहां पर फिक्स्ड है आपका बेटा कि नाउन पीसीएन नाउन यूसीएन, मींस नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल, दो ही नाउन सीखे, तीसरे नाउन नहीं आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। ये सब सारे, ये सब हर बार मैं बताते हैं कि हर टर्म के बाद पूरे टर्म में, पूरे स्टेटमेंट में ग्रामर रूल को फॉलो किया जा रहा है। अब यहां पर जो वर्ब आ रहे हैं, ये वर्ब आपका सिंगुलर है, आपका वर्ब सिंगुलर फिक्स्ड, नो एनी वेरिएशन, यहां नाउन आपका फिक्स्ड हो गया, नो एनी वेरिएशन। अब देखिए यहां पर द परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन पीसीएन, नाउन यूसीएन, वर्ब सिंगुलर, अब इसके बाद ऑफ के बाद नाउन फिक्स्ड है कि प्लूरल होगा, ऑफ के बाद नाउन फिक्स्ड है कि यूसीएन होगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल एरर के रूप में,
द परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स, द परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स हैज हैव हैज हैव गॉन ऑन अ स्ट्राइक, द परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स हैज हैव गॉन ऑन अ स्ट्राइक। अब यहां देखिए कि यहां जो नाउन आए हैं ये नाउन तो प्लूरल है, नो डाउट पीसीएन है, लेकिन यहां जो आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल आए हुए हैं जिसके कारण यहां पर आपका वर्ब फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है? तो सिंगुलर वर्ब फिक्स्ड है, चाहे जो भी हो जाए। तो देखिए मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं आपको कि द, द नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ के बाद वर्ब फिक्स्ड है। वर्ब क्या है? फिक्स्ड है, ठीक, लेकिन नाउन में थोड़ा सा अंतर है, उस बात को देख लेना है, क्योंकि द नंबर ऑफ में नाउन यूसीएन नहीं आएगा, द नंबर ऑफ में नाउन यूसीएन नहीं आने वाला है, ठीक है, वहां पर अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं किया जाएगा। तो सब और सर जो पिछले वीडियो में सब करा चुके हैं सभी चीजें मेंशन किया हुआ है वहां पर, कृपया करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल्स पर। तो परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स हैज हैव गॉन ऑन अ स्ट्राइक, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स जो हैं स्ट्राइक पर चले जा चुके हैं, ठीक है। यहां द आर्टिकल आ जाने से आपका वर्ब फिक्स्ड है, वहां सिंगुलर वर्ब है बस। अब आते हैं यहां पर द परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ द वाटर, या कुछ और नाउन लीजिए, ऑफ द सुगर हैज हैव बीन used by him। फिर अगेन वर्ब क्या होगा आपका? फिक्स्ड होगा, सिंगुलर होगा, नॉट प्लूरल। अब वर्ब के बाद नाउन अनकाउंटेबल यूसीएन, नाउन कैसा है? यूसीएन है, ठीक। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपके रूल बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे और इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। ये बहुत इजी तरीके से आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, हर बात को समझा दे रहे हैं आपको, कि ताकि आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो आपके साथ। आप अच्छे से सीखिए, परीक्षा पास कीजिए, ठीक है। और आज के इस सेशन के लिए दो ही एक रूल्स जो इम्पोर्टेंट है, करने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।